सभी को नमस्कार। क्लास शुरू करते हैं आज की बहुपद। और सबसे पहले बहुपद में हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण में भी पढ़ेंगे, इसको वर्ग समीकरण बोलते हैं। बहुपद और वर्ग समीकरण एक दूसरे से कोरिलेटेड है। वर्ग समीकरण इसमें एक होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू सी होता है। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये दो सूत्र हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो माइनस एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां पर कहें तो नीतांक, नीतांक सी को बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। कुछ प्रश्न लेते हैं, क्लियर होते जाएगा। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पर आधारित प्रश्न लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो, ये प्रश्न है। ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो में मूलों का योगफल, मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालो। अंग्रेजी में बोले तो सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट। योगफल को सम बोलते हैं और प्रोडक्ट, गुणनफल को प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हमारे पास सूत्र रखा है, योगफल का सूत्र होता है माइनस बी अपान ए। तो पहले इसका कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो a बराबर आपको एक मिलेगा, b बराबर, a बराबर एक, b बराबर, यहां कुछ, यहां कुछ भी नहीं था तो वन लिए, तो ठीक इसी प्रकार x में भी नो नंबर देन वन, एंड c इज इक्वल टू माइनस 12। ये हमारी वैल्यू है, a इज वन, b इज वन, c इज माइनस 12। ये वैल्यू उठा करके हमको एक फार्मूला में रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपान ए, बी की वैल्यू ढूंढिए वन, और फार्मूला में माइनस है तो माइनस वन, ए, ए की वैल्यू वन, तो योगफल माइनस वन आ गया। दूसरा है मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा सी अपान ए, सी की वैल्यू ढूंढिए माइनस 12 और ए की वैल्यू वन, तो ये आ गया माइनस 12। अगर ये बात समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में सब लोग हाँ लिखें, नहीं आया तो पूछिए क्या ये समझ में आ रहा है हम सबको, सभी को आ रहा है समझ में, यस आर नो, लिखेंगे जवाब देंगे। क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए और भी प्रश्न लेते हैं, हमें दोनों सूत्रों को दिमाग में बिठा लेना है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, बी का मतलब है एक्स का गुणांक और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल सी बाई ए। यहां से आपको दो नंबर का एक प्रश्न मिलना ही है, तो बहुत सावधानी से इन प्रश्नों को आप देखें। तो मैं मिटाने जा रहा हूं, दो तीन प्रॉब्लम अभी लेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको योगफल निकालना और गुणनफल निकालना, कोई भी प्रश्न ले सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 में
अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा सम प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो योगफल गुणनफल, ये निकालना है हमको इस प्रश्न में। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए फॉर्मूला है, लेकिन इसके पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे समीकरण का। तो क्या बता सकते हैं ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा बता सकते हैं, ए का मान कुछ भी नहीं है गुणांक तो 1, बी का मान 10, सी का मान 24, इन दोनों को यहां रख देना है। ये माइनस फार्मूला का बी का मान 10, ए का मान 1, तो योगफल माइनस 10 आ गया। गुणनफल सी 24, ए 1, तो ये 24 आ गया। बहुत आसान प्रश्न है, योगफल माइनस बी बाई ए गुणनफल सी बाई ए, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, ध्यान दीजिए आप। गुणनफल में भी नीचे हर में ए आएगा और योगफल में भी ए आएगा, लेकिन योगफल में माइनस बी हो जाएगा न्यूमरेटर और गुणनफल में सी हो जाएगा। बस इतनी सी अंतर आपको दिमाग में बिठाना है और दो नंबर आप ले सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है हम सबको, बिल्कुल आ रहा होगा। और लेते हैं क्वेश्चन, 3x square minus 5x plus 1, x square plus 6x plus 8, 2x square minus 3x plus 5, x square plus 8, ये इतने सारे मैंने प्रश्न लिख दिए, चार प्रश्न, 1, 2, 3, 4। चलिए इसका कंपेयर करेंगे किससे, ax square plus bx plus c से, equal to 0 से, a बराबर क्या मिलेगा 3, b बराबर क्या मिलेगा -5 और c बराबर 1। इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। अब यहां पर हमको बनाना है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा c बाई ए, b की वैल्यू -5 और ये माइनस ऑलरेडी है, a की वैल्यू 3 तो ये 5/3 आ गया, c बाई ए, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 3, 1/3 आ गया। क्या डाउट आ रहा है बताइए। सेकंड क्वेश्चन, फिर कंपेयर करेंगे ax square bx, ध्यान से देखिए मैं बार बार क्वेश्चन बना रहा हूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 8, फॉर्मूला यही है, अल्फा प्लस बीटा बार बार लिख रहा हूं मैं, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 1, तो -6, अल्फा बीटा सी बाई ए, सी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 1, 8। तीसरा क्वेश्चन, फिर कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या होगा 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5, फिर से फॉर्मूला में रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, a की वैल्यू 2 है, तो माइनस माइनस प्लस ये 3/2 आ गया, अल्फा बीटा c बाई ए, c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2, 5/2 आ गया। अब ये वाले प्रश्न में आप देखिए कमाल की बात है, एक इसको मैं लिख रहा हूं, फिर से ऊपर में लिख रहा हूं, यहां तक क्लियर हो गया होगा ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट दिख सके ब्लैक बोर्ड और कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मेरा एक प्रश्न था x स्क्वायर प्लस 8, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 8, क्योंकि x वाला टर्म यहां नहीं है तो हम उसको 0 into x लिख दिए। अब कंपेयर करो इससे, तो a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 8, बाकी प्रोसेस वही, जो टर्म नहीं है वो 0 है। यहां पर देखो x स्क्वायर है और नितांक c है, x नहीं है, नहीं है मतलब 0 into x है, 0 into x है ना 0, तो अब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा 0 अपॉन a, 0 को शून्य, 0 को किसी भी संख्या से भाग दें हमेशा 0 रहेगा,
और किसी भी संख्या को जीरो से भाग दे तो अनंत हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जीरो आ गया, अल्फा बीटा सी बाई ए, सी ढूंढिए, एट, ए वन, एट आ गया। क्या समझ में आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा जीरो आएगा और अल्फा बीटा सी बाई ए इक्वल टू एट आएगा। और भी प्रश्न ले सकते हैं। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या हम सबको क्लियर है? आपसे पूछ लेते हैं एक बार। चलिए, आज की क्लास में केवल 15 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अभी तक, केवल 15 मुझे मिलाकर। क्या समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। एक दो मास वाला क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट किया पॉलिनोमियल में। अब आते हैं कुछ और प्रश्न करना। हमें कोई भी बहुपद दिया रहेगा, जैसे एक प्रश्न है, जांच कीजिए, x प्लस वन बहुपद, यानी पॉलिनोमियल, बहुपद का एक गुणनखंड है, तब px जांच कीजिए कि बहुपद का एक गुणनखंड है जब px दिया है आपको 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। जब ऐसा प्रश्न दिया हो, जांच करना है, अगर x प्लस वन बहुपद का गुणनफल है तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो लेंगे, लिखेंगे। यदि x प्लस वन बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 2x+1 का गुणनखंड है, तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो लेंगे। ध्यान से सुन लो आप। अब x प्लस वन जीरो लेंगे तो पक्षांतर करिए यहां पर, तो x का मान माइनस वन हो गया, तो px इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x+1 में x बराबर माइनस वन रखने पर, क्या होगा बताइए? 2 माइनस वन का घात 3, माइनस वन का पावर 3, प्लस माइनस वन का पावर 2, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा? ऋण 1 का घात 3 का मतलब ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1, अर्थात क्या हो जाएगा? ऋण 1 हो जाएगा। इसका मतलब ऋण 1 और 2 से गुणा तो ऋण 2, ऋण 1 का वर्ग, यानी ऋण का ऋण 1 से 2 बार गुणा तो धन 1 हो जाएगा। और ये ऋण और ऋण धन, और ये धन 1, 2x³, और ये धन 1 आ गया। अब जरा देखिए, ऋण 2 से धन 2 कैंसिल, और 1 और 1 2 हो गया। यहां पे शून्य नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड आने के लिए शर्त क्या होना चाहिए? इसका आंसर शून्य आना चाहिए। यहाँ पे शून्य नहीं आ रहा है और आपने क्या किया, जल्दीबाजी में जांच कीजिए लिखा है, शून्य तो आएगा ही, और आपने इस प्लस वन को धोखे से माइनस वन कर दिया और इसको भी कैंसिल करके जीरो लिख के आ गया, और क्या लिख दिया, x प्लस वन इसका गुणनखंड है, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा।
आप अपने पे विश्वास रखिए, प्लस माइनस का ध्यान रखिए और सावधानी से क्वेश्चन बनाए। यहां पर गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेष फल शून्य नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका इसका और है, मैं मिटा रहा हूं इसको, बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसका एक मेथड और है बनाने का, भाग विधि। देखते हैं भाग विधि से कैसे बनाएंगे इसी प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे आप। ये मैंने लिखा 2x³ + x² - 2x + 1, इसको मैं भाग देने जा रहा हूं किससे, x प्लस वन से। और यदि इसका शेषफल शून्य आ जाएगा, जो नहीं आने वाला है क्योंकि हम देख चुके हैं नहीं आएगा, अगर शेषफल शून्य आता है तो हम क्या कहेंगे, गुणनखंड है। अब भाग कैसे देते हैं, भाग कैसे देते हैं, यहां पर एक्स क्यू है और यहाँ एक्स है, यहाँ टू है, पावर तीन है और पावर वन है, यहाँ पे दोनों का अंतर लेते हैं तो दो, 2x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको x प्लस वन को, तो क्या होगा 2x³ + 2x² तो यहां लिख दीजिए 2x³ + 2x² और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, प्लस x² और -2x² -x² हो जाएगा, बाकी टर्म को उतार दीजिए। फिर से देखिए, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो हमेशा समझ में आ जाएगा। यहां 2 था, मैंने 2 लिया, पावर 3 था, पावर 1 था, 3 और 1 का अंतर 2, तो x² लिया, 2x² का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से किया, घातांक नियम, x² और x का मतलब x का घात 3 हो जाएगा, घात आपस में जुड़ जाते हैं आधार बराबर होने पर, तो ये 2x³ हो गया और ये 2x², इसको मैंने लिखा, घटाया, चिन्ह बदला, तो -2x² + x² - x² हुआ और ये दो टर्म को लिख दिया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, अब पावर 2 है और पावर 1 है, घात 2 और 1 है तो अंतर 1 आया। अब -x का गुणा इससे करूंगा x प्लस 1 से, तो क्या होगा -x² और -x, इसको यहाँ लिखना है, ये देखिए -x² - x, और फिर से सब्ट्रैक्ट, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये प्लस एक्स माइनस टू एक्स, माइनस एक्स आ गया, प्लस वन, अब यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स दोनों में बराबर है तो माइनस वन बस लेंगे। अब माइनस वन का गुणा एक्स प्लस वन से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वन, ये ले लीजिए माइनस एक्स माइनस वन, फिर से इसको घटाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा ये प्लस वन और वन एक होके दो आ जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी देख चुका है, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है। इस प्रक्रिया से हम तब बनाते हैं जब भाग दो लिखा रहता है प्रश्न में, भाग दो शेषफल ज्ञात करो गुणनखंड है या नहीं। तो प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना है, मैं पहले भी क्वेश्चन पेपर आप सबको भेज चुका हूँ, आज मैं फिर से तीनों सेट गणित के तीनों सेट का क्वेश्चन पेपर ग्रुप में डाल दूंगा, आप उनको बहुत अच्छे से बनाइए, जो 2020 मार्च में परीक्षा आयोजित हुआ था जिसमें आया हुआ है, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में मिलेंगे। क्या यहां तक हम सबको समझ में आ रहा है, जरा देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सब क्या कहते हैं चैट बॉक्स में, क्या हमें समझ में आ रहा है सबको, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं डिवीजन वाला, कैसे करते हैं डिवीजन, ध्यान देना है। ये मैं प्रश्न पत्र फिर से उठा रहा हूं जो वार्षिक परीक्षा का है, जिसको हम लोगों ने कल भी बनाया था, आज फिर बना के देखते हैं। प्रश्न है 3x² - 5x प्लस 2 बराबर 0 में मूलों का योग फल एवं गुणनफल ज्ञात करो। जल्दी से बनाइए और व्हाट्सएप करिए ग्रुप में, अभी बनाएंगे, 2 मास का टेस्ट है, अभी बनाइए, एक पेज में बनाइए सब लोग और व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए सभी लोग।
कंपलसरी 3x² - 5x + 2 = 0 में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, बनाना है आपको कॉपी में, पेज में, और उस पेज का फोटो खींच करके व्हाट्सएप में अभी डालना है तुरंत। क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे, आप बनाइए, मैं नहीं बताने वाला, कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। ये प्रश्न है, इसका तुलना करिए जिससे भी आप तुलना करते हैं, और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का सूत्र आपको आता है। समय शुरू, समय स्टार्ट, देखते हैं। समय आपको 3 मिनट का दिया, देता हूं मैं 3 मिनट का समय, 180 सेकंड। स्टार्ट कर दीजिए। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू बराबर जीरो में मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। बन जाए तो यस लिख देना, आप बाद में फोटो खींच के डाल सकते हैं क्लास के बाद। बन जाए तो यस लिखना, ताकि मैं ब्लैक बोर्ड में बनाकर आपको फिर से दिखा सकूं। जिसका बन जाए चैट बॉक्स में यस लिख देना। जीत ने बना लिया, सालनी भी लिख रही है ओके, बन गया। जीत और सालनी, पूर्वांशी ने भी कर लिया, वेरी गुड। ये बनाकर आप क्लास के बाद व्हाट्सएप करेंगे ग्रुप में, अभी नहीं। तो चलिए मैं भी इसको बनाने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट और समय दूंगा बाकी लोगों के लिए। नीरज से भी बन गया, पूर्वांशी से भी बन गया, रवि से भी बन गया, दिनेश्वरी भी, सालनी भी, सब लोग शायद प्रायः प्रायः बना लिए, वेरी गुड। आप सब व्हाट्सएप करेंगे, मैं अभी लिख रहा हूं ax² + bx + c से इसकी तुलना करूंगा। तो मुझे a बराबर क्या मिलेगा, 3, b बराबर -5 और c बराबर 2। मूलों का योगफल, योगफल α + β - b/a, b की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू 3 है, तो ये 5/3 आ गया। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल α β c/a, c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3 है, 2/3 आ गया। अगर ये आंसर हम लाए हैं तो राइट है। अनुसीता ने भी कर लिया, गुड अनुसीता, एवरीवन, नीतू, बढ़िया है, आप सबको बधाई। 2 नंबर आज की क्लास में आपको मिल चुका है, और आगे बढ़ते हैं। एनरोलमेंट बढ़ता क्यों नहीं क्लास में, केवल 14 स्टूडेंट्स, ओनली 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया, मान लें हम लोग, हम सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पॉलिनोमियल के। मैं फटाफट क्वेश्चन दूंगा, अभी आपको बनाना है और व्हाट्सएप करना है क्लास के बाद ग्रुप में, ग्रुप में करेंगे जो भी काम करेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि px = x² + 3x + 2 हो तो p3 का मान बताओ, मान बताओ। प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए पहले, ये बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद में x के बदले 3 रखना है, और कितना उत्तर आएगा आपको बताना है। समय शुरू, चलिए आंसर आना शुरू हो गया। अलका 20, रवि 20, बाकी लोग क्या कहते हैं देखते हैं, और भी शायद बहुत लोगों ने जवाब दे दिया होगा, देखते हैं। खुश
खूब सारे बच्चों ने जवाब दिया, अलका, रवि, कुर्बानसी, सालनी, जीत और नीतू, बहुत सारे बच्चों ने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ एक्स के बदले 3 रखूंगा मैं, यहाँ भी एक्स के बदले 3 रखूंगा और दो, 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 6 मत लिख देना, 3 × 3 यानी 9 आएगा और ये 9 आएगा और ये 2 आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 20। बहुत बहुत बधाई आप सबको। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी में p-1 का मान निकाल दिया, अभी p3 बोला था मैं, अब आपको p-1 निकालना है, क्वेश्चन वही है, 3 के बदले -1 है। अगला प्रश्न, p-1 का मान ज्ञात करो, प्रश्न वही है, वैल्यू मैंने बदल दिया है, p-1, आंसर आना शुरू हो गया, जी, अलका, रवि, दिनेश्वरी, पूर्वांशी, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया, बता रहे हैं 0 आंसर आएगा, तो मुझे अवसर दे मैं भी चेक कर लूं। ये देखो मैंने एक्स के बदले -1 रख दिया, -1 का वर्ग क्या होता है, -1 × -1 तो +1, और ये -3 और ये +2, 2 और 1 3, 3 − 3 0, वेरी गुड। चलिए इसमें जल्दी से निकालिए P5 का मान निकालिए, एक्स का मान 5 रखिए, जल्दी देखते हैं कौन पहले आता है, P5, P का मान 5 रखना है, 42, जीत ने पहला जवाब दिया 42, देखते हैं राइट है कि रॉन्ग, 5² + 3 × 5 + 2 25 + 15 + 2 42, बिल्कुल सही जवाब, और इस बीच फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दे दिए। चलिए इसी का मान p-5 रखते हैं, p का मान -5 रख के आंसर निकालिए, p का मान -5, आंसर बहुत सारे बच्चों ने दे दिया, जीत, सालनी, पूर्वांशी, रवि, अलकास, बहुत सारे स्टूडेंट, आप सबको बधाई, देखते हैं आंसर आप सबने निकाला है 12, मैं भी चेक कर लेता हूं, ये ऐसा रखेंगे -5² 25 - 15 और 2 25 और 2 27, 27 × 15 12 12, तो अब आप एक नंबर कंफर्म, अब आपको मूलों का योगफल में नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, मूलों का गुणनफल सीख गए, कोई भी वैल्यू दिया है तो उसका मान निकाल लेंगे आप। अब आगे आते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चंस को और समझते हैं, एक प्रश्न लेकर डिवाइड करना, भाग देना, क्योंकि मान रख के तो आप बना लेते हो, ये प्रश्न है 4x³ + 3x² + 2x - 9 को भाग देना है, एक्स ऋण एक्स, मैं समझाऊंगा अभी, आप लोग सब ध्यान से देखेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, केवल ध्यान देंगे। अब यहां देखो 4 है, हम 4 ले लेंगे यहां पर 4, और एक्स का पावर 3 है और एक्स का पावर 1 है, तो 3 − 1 = 2, तो x² लेंगे। अब 4x² का मल्टीप्लाई x − 1 से करना है, तो क्या होगा बताओ, 4 का 4 घातांक नियम, इंडेक्स ला से दोनों का घात आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4x³ हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होके -4x², तो यहाँ हम लिख देंगे 4x³ - 4x² और इसको घटाएंगे, घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस ये प्लस, ये विलोपित हो गया। अब -4x² और -3x² दोनों जुड़ जाएंगे और इसको लिख देंगे 2x और ये आपका -9। अब क्या करेंगे, x² के सामने 7 है तो +7, पावर 2 है पावर 1 है तो 2 - 1 1 आएगा,
एक्स ले लेंगे। अब 7x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो 7x और x आपस में घातांक नहीं है और अगेन 7x, तो क्या आया 7x² - 7x। फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये विलोपित हो गया, प्लस 7x और प्लस 2x 9x और ये -9। अब x के सामने 9 है, अब 9 का गुणा इससे करना है 9 का, ये 9x माइनस 9 दोनों को क्या करेंगे घटाना है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस प्लस 0 आया, यानी x माइनस 1 जो है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 का गुणनखंड है। वेरी गुड, आप सबको बधाई, सबने बना लिया, मैक्सिमम लोगों ने। याद रखें प्रश्नों को ध्यान से पढ़े, भाग देने पर भाग शब्द आया, डिवीजन आया है तो आपको भाग देना पड़ेगा, जांच करो आया तो सीधा मान रखोगे x के बदले। अगर ये जांच करने वाला प्रश्न होता तो x माइनस 1 बराबर 0 लेते, x इक्वल टू 1 रखते, तो जरा देखो x इक्वल टू 1 रखते इसमें 4 1 का क्यूब 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 और माइनस 9, ये 4 होता, ये 3 होता, ये 2 होता, ये 9, ये सबको ऐड करते 9 माइनस 9 0, एक क्वेश्चन बन जाता। बट डिवाइड करने पर आपको इस तरह से बनाना होगा क्वेश्चन। तो मेरे दृष्टिकोण से बहुपद जो है पूर्ण रूप से कवर हो रहा है, समझ में आ रहा है, मैं ऐसा मानता हूं। समय समाप्त हो रहा है, हो चुका है, क्लास ओवर करते हैं। अगली क्लास वर्ग समीकरण और बहुपद को लेकर ही रहेगा, बट टॉपिक का नाम रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 100 बच्चे आप लोग जोड़िए, आज प्रण करिए कि सभी लोग 10-10 बच्चों को इनवाइट करेंगे, तो कल की क्लास में 150 बच्चे होने चाहिए, 150। चलिए आप सबको धन्यवाद, बधाई, और आज की क्लास ओवर करते हैं। कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में डाउट डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सभी को नमस्कार।